सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, सो आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आपको एक बंडल फ्री में मिल रहा है। अब कैसे मिलेगा वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वैसे छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ इसीलिए। तो बस आपको सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे वाले इवेंट पर चल जाना, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, इसीलिए आपको ये बंडल फ्री मिलेगा। गाइस ये वाला बंडल है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, आपको बैलून कलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कलेक्ट करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है येलो बैलून। आपको येलो बैलून 20 कलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मेरा येलो बैलून 4 है, ग्रीन बैलून 0 है। तो आपको कैसे कलेक्ट करना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये येलो बैलून है और ये ग्रीन बैलून है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ आपको येलो बैलून कैसे कलेक्ट करना है। तो गाइस ये वाला जो इवेंट है, ये कल ही आ गया था 8 अगस्त को, आज 9 अगस्त, मैं 9 अगस्त का वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर इससे आपको ये सब आपको ये यहाँ से ये मिशन है, आपको ये मिशन आपको कंप्लीट करना है और आपको एक एक बैलून मिलेगा। ऐसा ही करके आपको 15 अगस्त तक आपको 20 बैलून ये येल्लो वाला कलेक्ट करना है। तो ये बात हो गया येल्लो वाले बैलून का। अब मैं बताता हूँ कि आपको ये ग्रीन बैलून कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले FFCO रिवॉर्ड्स में जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक लाइव स्ट्रीम होगा यूट्यूब पे, फ्री फायर स्पोर्ट इंडिया चैनल पे होगा। आपको वहाँ पर लाइव स्ट्रीम देखना पड़ेगा। आप लाइव स्ट्रीम आपको 15 अगस्त का होगा, 6 बजे से होगा। तो यहाँ पर आपको ये लाइव देखना पड़ेगा, और जब लाइव ख़त्म हो जाएगा तब आपको वही लाइव के आपको कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ मिलेगा आपको रिडीम कोड। फिर आपको रिडीम कोड मिल जाएगा, फिर आपको रिडीम कोड से ये बैलून कलेक्ट, मतलब 20 बैलून आपको मिल जाएगा। और रिडीम कोड से कैसे कलेक्ट करना है ये ग्रीन बैलून को, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर लाइव स्ट्रीम पर 200K का लाइव वॉचिंग चल जाता है, जैसे कि लाइव 200K लोग अगर देखेंगे तो आपको ये इमोट भी मिल जाएगा। सो गाइस, सो आज की इस नए छोटे से वीडियो में इतना ही। आपको 20 येलो और ग्रीन बैलून कलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ से रिडीम कर लेना है। यहाँ पर एक्सचेंज का ऑप्शन आपको दिखेगा, ऐसे करके आपको फिर कंफर्म करके रिडीम कर लेना है। तो बस गाइस, सो आज के इस नए वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।